तो दोस्तों, लास्ट व्लॉग में हमने आपको दिखाया था चांद रात टू ईद नमाज तक का व्लॉग। अब देखते हैं आगे ईद वाले दिन क्या हुआ और उसके आगे क्या क्या हुआ, तो एंड तक ज़रूर देखना व्लॉग। घर आ चुके हैं लेट से, हानिया रेडी हुई है या नहीं हम गए थे जब, तो वो सो ही रही थी। अस्सलामु अलैकुम। हाँ नहीं ले रहा। हानिया बेबी की देखो अभी सुबह हुई है, मस्त नींद पूरी करके उठी है। आप नए कपड़े पहनोगे ना गाइस? हानिया के जो कपड़े हैं वो आपको देख के बहुत अच्छे लगेंगे, एक आपने सोचा नहीं होगा वो कपड़े। तो दोस्तों ये देखो हानिया रेडी हो चुकी है, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। लड़का बनी हुई है आज, हानिया लड़का बनी है, कुर्ता पजामा जैकेट और शूज है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बेटा। इधर ईदी इधर क्या शादी की वीडियो बनवा रही हो, सलामी की? अभी ये तो हम दे रहे हैं, एकदम ब्लॉग बना रहा तो आ गया उसमें। ओहो हानिया के पास तो अभी से नोट का ढेर लग गया। हानिया के पास होना चाहिए छोटा पर्स, होना चाहिए पर्स। अरे इसका वो पर्स था ना पुष्कर वाला, तो ऐसा दिखाने के लिए फोटो खींचने के लिए। अगले साल निकालना। चलो रेडी हो गए तो चलो। मम्मी को छोड़ के आओ, जब तक मैं खा ली रोटी खा ली। तो गाइस अभी हम सब जाएंगे नाना के घर, वहाँ सबसे मिलेंगे जुलेंगे और फिर रिटर्न आ जाएंगे अपने घर। तो हम आए थे अभी नाना के यहाँ पे, अब नाना के यहाँ से मेरे फ्रेंड जाहिद के घर पे जा रहे हैं क्योंकि बुला रहा है वो, मेरा एक फ्रेंड और वहीं पर बैठा है। चलो भाई चलो। दोस्तों अभी हम आए थे जाहिद के घर पर, जाहिद की तरफ से आज दावत थी और नितेश भी आया हुआ है। ब्लॉग चल रहा है, अब हमारा हो गया है, अब हम जा रहे हैं। अब हमारा हो गया है, हम जा रहे हैं अब दूसरी जगह, अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह, अब दूसरी जगह। भाई खा खा के थक जाते हैं, ईद पे सही जगह दावत खाने जा रहे हैं। चलो तो दोस्तों अभी मेरे फ्रेंड से मिलके हम आ चुके हैं नाना के घर वापस और अब जा रहे हैं फूफो के घर में यानी साहिल के घर। तो चलो चलते हैं, हम सब चारों ही जा रहे हैं अब तो। तो अभी आ चुके हैं हम साहिल के घर पर। हीरा साहिल तू भी ईद मुबारक बोल दे सबको। अभी साहिल थोड़ा लुस्त है और ये साहिल का बेटा इब्राहिम। खाने पीने का हमने सीन कुछ नहीं रखा है, मना कर दिया साहिल को, बस मिलेंगे और चलेंगे। और हम भी बहुत ज़्यादा थके हुए भाई, मेरे को तो नींद आ रही सही बोलूँ तो, अब घर जाके सीधा सोऊंगा मैं तो। The next day. अस्सलामु अलैकुम। हाँ टूट गया पलंग से नीचे फेंकी तो क्रैक हो गई, प्रेस टूट गई। तो थोड़ी प्रेस तेरी हानिया प्रेस तोड़ दी, जैसा कि आपको सुबह बताया था हमारी आज नाना के घर दावत है, सारी खाला हमारी आने वाली है और सब कजन्स भी आने वाले, तो इसीलिए आज दावत है सबकी। लेकिन मैं अभी नहीं जाने वाला, मैं थोड़ा बहुत काम करूँगा, अपना काम बहुत पेंडिंग हो गया है मेरा ईद वाले दिन की वजह से। कल ईद थी तो कल पूरा दिन कुछ भी काम नहीं किया, तो आज थोड़ा बहुत काम वाम करेंगे अपना, वीडियो का कुछ वीडियोस है एडिट करने के, व्लॉग एडिट करना है ईद वाला, तो वो ईद वाला व्लॉग भी एडिट करके डालूंगा और वो सब काम निपटा के फिर मैं जाऊंगा। अभी मैं सिर्फ सोनम और हानिया को छोड़ के आ रहा हूँ। हानिया बेबी तो सो चुकी है, उम्मीद नहीं थी सोएगी ये, क्योंकि सुबह कल जो है रात में जल्दी सो गई थी और सुबह लेट भी उठी, पर फिर भी सो गई जल्दी आज। फिजान जो है अम्मी को छोड़ के आ चुका है, तो आ चुके हैं नाना के यहाँ। आती लाला नाना लाला, क्या हो गया इसका? क्या इतना बुरा हूँ मैं वहाँ, क्या हुआ क्या? सब है पता मेरी वो, क्या हो गया क्या हुआ? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो रहा है, इतना खराब हो रहा है। क्या हो गया इसका, हुआ क्या इसका? अरे उमर से लड़ी हो गई और वो नाना ने बोल दिया मेरे घर में मत जाना। अरे यार तू तो बुजुर्गों की बातों पे इतना बुरा मान रहा है।
ऐसे रोते हुए तो मैं तुझे पहली बार देख रहा हूँ यार नोनू, इतना बुरा थोड़ा ना मानते बड़ों की बातों का। ए चल चुप हो जा। क्या चिप्स कुछ खाएगा? ला पैसे तो चिप्स ला, ला ईद ही दू तेरे को ईद। नाना से नाराज हो गया था, इनकी लड़ाई हो गई है ये। लाल कर ले नाना को जल्दी, मोहब्बत करने वाला है वो। जल्दी नाना को लाल कर, नाना को लाल कर, फिर नाना को नहीं करनी है जल्दी। पप्पी का नाना भी लाल कर ले। हाँ घुमा लाएंगे, घुमा लाएंगे। अरे क्या बात है, क्या मीठा मीठा यार। चलो चलो सारे बाल साफ कर दिए जा रही, अभी चल रहा है अपन। नाराज हो गया था इसके पर नाना से, तो हमने इसको इन दो का समझौता करा दिया है। हाँ अब ये घूमने की जिद कर रहा है, तो जीत मानना पड़ेगा। अभी अपने मेहमान आएगा उनसे मिलने, मेहमान ने मुंशी कर किसके जा घूम जा मदरसे में घूमने जा रहा हूँ। चलो ये इसको ले जाओ अम्मार को। नहीं मैं हुई तब वो जैसे गीत के बाद एक के बाद लड़की होती चली गई, उसी टाइम पे गाड़ी चोरी चली गई। अभी मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो कि चोरी मेरी उठता जाए ना, परेशान होकर कुछ बोले कर करे। उन्हें बेटा सबको बराबर से लाभ प्यार करना, वो ज़्यादा अफसोस नहीं करना कोई चीज़ का। मुद्दा अस्पताल में आ गए थे पापा, हाँ इसी की बात है, खेलने के लिए मतलब से फिंगर से आए पापा। हाँ ऐसी हो गई कि है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो छोड़ गया है सोनम को, अब चलते घर, काम निपटाएंगे अपना, फिर रिटर्न आ जाएंगे रेडी होके। लेट्स गो। मौसम बहुत मस्त हो गया, एकदम ठंडा ठंडा, बारिश आ सकती है लेकिन बारिश आना नहीं चाहिए, बस बहुत ऐसी ठंडी हवा चलती रहना चाहिए। Little longer than a few minutes later. तो घर से होके मैं वापस यहाँ पर आ गया हूँ, और यहाँ पर हानिया बहुत ज़िद करी थी, रो रही थी, तो यहाँ पर मैं इसको ये फ़िश वगैरह दिखाने के लिए लाया हूँ। लगता है एक पॉट हमें भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हानिया को फ़िश पॉट ज़्यादा ही पसंद आ गया है, तो एक ले ही लेंगे हम भी। तो अभी हम खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं, यहाँ पर बनाए माशाल्लाह बकरे का गोश्त, और साथ में पुलाव है और सेवइयाँ हैं। अब खाना खाएंगे फिर आपसे मिलते हैं। तो खाना वाना खा लिया है, अभी बस हाथ धोए, और भाई बहुत शोर हो रहा है, सब मेहमान वगैरह है ना, बहुत सारे मेहमान हैं तो शोर है। यहाँ पर हमारी सब कज़न्स हैं, खाना खा रही करो बात सब इसको दुआओं में याद रखना, माशाल्लाह बोलना। ये उमर साहब के भाई हैं, उमर साहब को तो आप लोग पहचानते ही होंगे, और ये हमारी शेजाबाजी है। ये तो मजे ले लेके खीर खा रही है, काट देंगे तुम्हारा उंगली तो हटाओ कैमरे के ऊपर। यहाँ पर अब हमारी सारी खाला वगैरह बैठी है, और मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि सब इतनी बात कर रहे थे भाई, इतना शोर हो रहा था। और ये नूर फातिमा है मेरे कजिन शादाब की बेटी। आपका नाम क्या है? यूट्यूब खोलो यूट्यूब। तो बैठी भी हो वहां तक सब। ये रहा, बाप रे बाप, तू तो बहुत ही काम कर रही है। कौन सा वीडियो है ये वाला? दूसरी लगा दो, दूसरी दूसरी लगा दो, दूसरी लगा दो।
फोन आता होगा तो काट देती होगी, उठा लेती, उठा लेती, नहीं उठा भी तो लेती है, कभी उठा लेते अब सब मेहमान चले गए हैं, ये बड़ी पुप्पी जान उनके भतीजे को खिला रही है। अरे ये उमर साहब रूठ गए हैं, उमर साहब तो बिल्कुल वो बेकार बेकार उमर साहब तो बेकार। एक गिफ्ट है किसका, मोहम्मद अली का, मोहम्मद अली की गिफ्ट अनबॉक्सिंग। चेयर है ना इसमें, हाँ झूला चेयर। ओहो ओहो हानिया को तो समझ गई कि वही है साहिल के यहाँ जो है, तो समझ गई बैठेगी उस पर, अब वो मानेगी नहीं। अच्छा ये तो टांगने वाला है, दोस्तों अभी हम आ चुके हैं घर, अब बस सोने की तैयारी है। मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था, अभी एडिट हो चुका है तो अब सोएंगे, आराम करेंगे। आप बताना आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले ब्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।